हेलो, मैं कोच सर बीटा कोच सेंटर से। मैं आज आपको कुछ शॉर्ट करके पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ में, जैसे कि डिवाइड। मैं डिवाइड को देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चे गलती कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा शॉर्ट में कैसे करते हैं, तो आज मैं शॉर्ट करके डिवाइड सीख रहा हूँ। तो जैसे मैं कोई एक संख्या लेता हूँ, जैसे 2, 4, 9, 6, जैसे इसका इससे मतलब 10 से मैं डिवाइड करूँ उसे, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मतलब उसे डिवाइड करेंगे, जैसे फाइनल आंसर निकालेंगे क्या करेंगे, 10, 2, 4, 9, 6, बहुत सारा टाइम लेंगे। लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज करना है। यहाँ पे देखो, मेरे पास जो ऊपर संख्या है मैं पूरी संख्या लिखता हूँ 2, 4, 9, 6। अब ये मैं मुझे देखना है कि नीचे कितना लिखा है, नीचे 1 के सामने कितना 0 है, 1। तो मुझे यहाँ से पीछे से मुझे 1 अंक, यहाँ से मैं 1 अंक काउंट करेंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बहुत से बच्चे बोलेंगे, अगर मान लो अभी तो 1 0 है, फिर तो मैंने ऐसे कर दिया, अगर और 0 फिर कैसे करेंगे, उसके लिए भी देखो 4, 9, 6, 7, 8। अब देखो इसमें अगर हम 100 से डिवाइड करें, कितने से डिवाइड करूँ, 100 से, अरे 1000 से डिवाइड करूँ, अच्छा इसमें देखो कितना है, 3। और मैं जल्दी से इसे नहीं कर सकता हूँ, तो उसमें कैसे करेंगे, 4, 9, 6, 7, 8। मैंने पूरी वाली संख्या को पूरा नोट करके रख लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें देखो कितनी 0 है, इसमें कितनी 0 है, 3 0, तो यहाँ से काउंट करूँगा 1, 2, 3, और यहाँ पर क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा, ये मेरा फाइनल आंसर है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऐसे करके मतलब बीच में क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, इसको क्या करेंगे, या फिर ऐसे 0 लगा देते हैं, तो इसके लिए मतलब बच्चों को प्रॉब्लम होती है, नहीं कर पाते माइनस आ गया बीच में, तो इसे ऐसे नहीं, ऐसे लिखना स्टार्ट करो, ऐसे लिखना स्टार्ट करो। अच्छा अब देखो, यहाँ से मैंने वही तरीका बताया कि ऊपर वाला संख्या मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिख लिया, अब मेरे पास कितना अंक है नीचे, कितने 0 है, 1 0 है, तो मैं 1 अंक बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा दूंगा। अब लेकिन पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर कितना आ गया, -5। मैं ऐसे करता हूँ। अच्छा ऐसे मैं क्या करता हूँ, जैसे किसी भी संख्या में यदि मैं 2 में यदि मैं 0 से डिवाइड करूँ, यदि मैं 2 को 0 से डिवाइड करूँ, तो इसका आंसर बहुत से बच्चे क्या बता देते हैं, 0 है। लेकिन 0 नहीं है, इसका आंसर 0 नहीं है, इसका आंसर क्या है, इनफाइनाइट है, इसका आंसर इनफाइनाइट होता है। किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या में यदि मैं 0 से डिवाइड करता हूँ, किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करता हूँ, तो उसका आंसर कितना आता है, इनफाइनाइट आता है, ना कि 0 आता है, ठीक है। यदि